Hello to everyone. So let's start our first mission for the cave explorer. जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था कि बहुत इधर का सब कुछ हो गया है, हम लोगों ने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है और हमारा फाइनली अब टाइम हो गया है केव के पीछे जाने के। एक्चुअली केव में जाने का दो रीज़न है। पहला तो मुझे डंग बीटल चाहिए क्योंकि मुझे इस फर्टिलाइजर्स के लिए चाहिए, और दूसरा केव में बहुत से अलग टाइप के डायनोस हैं और उसमें एक आर्टिफैक्ट भी है जो कि मुझे चाहिए। सो एक मिशन तीन काम कंप्लीट कर देगा, बट उसके लिए अंदर जाने से पहले कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। लाइक मेरे पास मेडिकल ब्रू बहुत सारे हैं और पानी मिल ही जाएगा, फूड है और कुछ अच्छे अच्छे ये ले लेता हूँ। बट उससे पहले कि मैं अंदर जाऊँ, मैं प्लैटिपस को एक्चुअली ले जाना नहीं चाहता क्योंकि प्लैटिपस में ऑलरेडी मैं बहुत कुछ चीज़ें ले कर रखा हूँ। सो प्लैटिपस को मैं यहीं पे छोड़ने का सोच रहा हूँ। बट उसके अलावा लाइक मेरे पास और भी बहुत से अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। सो मैं स्पॉइल्ड मीट्स को ले जा रहा हूँ और वेपन्स में लाइक यहाँ पे ये तीन कंप्लीट हो चुका है, ये स्पाइनो एक है। अर्जेंट टैविस ले जाने का ज़रूरत तो नहीं है, सो यहाँ पे मैं रखता हूँ। और मैं और तीन अलग डायनोस को लेके जाना चाहता हूँ वहाँ पर, और यहाँ पे जितने भी वेपन्स हैं लाइक इनको मैं यही पे भी छोड़ देता हूँ क्योंकि अंदर एक्स का कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं भी हाँ इसका शायद ज़रूरत पड़ सकता है क्योंकि जब लास्ट टाइम गया था मुझे वहाँ पे बहुत कुछ अलग अलग मिला था, तो ये सो मैं मेटल रख लेना चाहता हूँ। और मुझे लगता नहीं कि अभी मुझे रेडियो का कुछ जी पिस्टल की ज़रूरत है। सो ये और चेनसॉ मैं रख लेना चाहता हूँ, कुछ गैसोलीन्स लाइक अराउंड 4, 5, 6। और उसके बाद हार्पून लॉन्चर काफ़ी अच्छा रहेगा किसी को मारने के लिए। तो हार्पून लॉन्चर्स के साथ अराउंड नेट्स जो कि मैं ये इसमें नहीं रखूँगा, सिर्फ एक ही वेपन लेके जाऊँगा जिससे मैं किसी को ट्रैंकुलाइज कर सकूँ। सो इनको मैं एक्चुअली अंदर रख देना चाहता हूँ, सिर्फ एक स्पाइनो को अराउंड 12 में रखूँ और एक मेनली वेपन के लिए ले सकता हूँ, आइदर शॉटगन और पिस्तौल। सो ये एक्चुअली एसेंडेंट पिस्तौल है जिसके मैं बुलेट्स एक्चुअली बहुत कम बनाए, मुझे लग रहा है शॉटगन मेरे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और इसके साथ क्या मेरे पास, हाँ ये मैं वही सोच रहा था कि हुआ सो और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ऑलरेडी मेरा वेट 160 अराउंड हो चुका है जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो ये और मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा चीज़ें लेके जाने में कोई फायदा है। एक्स्ट्रा मीट चॉम्प लेके जा रहा हूँ ताकि अंदर में भी लाइक कुछ अगर मैं टेम करता हूँ, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा नार्कोटिक्स के लिए, मैं बहुत सेफ करके रखा हूँ। सो अभी के लिए मैं ये जितने भी चीज़ें हैं इतना लाइक क्या एनर्जी पे का काम आएगा शायद ज़रूरत पड़ सके, एनर्जी पे और एक्चुअली गुड लैम्प चॉप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कैसे बोलूँ, ओह ये है, ये कुछ ज़्यादा ही कलर एसेंडेंट डाइनो कैंटिंग, और इसको मैं ले जाना चाहता हूँ स्पाइनो। सो स्पाइनो को मैं वहीं पे ले जाऊँगा और मैं अभी प्लैटिपस पर नहीं ले जाना चाहता हूँ। तो एक कोई ऐसा मेविंग लाइक जिसका बहुत अच्छा वेट कैपेसिटी है उसका मैं भी, सो ये काफ़ी है, हम इसको ले जा रहे हैं अभी। और इसके साथ मैं एक और एक बैकअप प्लान ले जाना चाहता हूँ। सो मेरा बैकअप प्लान में मदद करेगा बायोमेक्स। सो जो बायोमेक्स है बायोनेक्स का ले जाने के पीछे मेरा एक रीज़न है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें मेरे पास
तो फालतू चीजें नहीं। सो एक सिचुएशन आता है जिसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं है स्पाइनो को केव के और अंदर ले जाने का, मैं वहाँ पे बायोनिक्स से चेंज करूँगा, क्योंकि जितना बड़ा केव है मैं श्योर हूँ कि उसमें स्पाइनो घुस सकता है। बट लेट्स ट्राई कि वहाँ पे क्या होगा, अंदर कौन कौन से डायनोसर मुझे वो भी याद नहीं है, बट मेरा मेन मोटिव अभी अगर देखा जाए तो डंग बीटल के ऊपर है मेनली। मुझे सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ डंग बीटल ही चाहिए, तो उस चीज़ को मुझे मेन प्रायोरिटाइज करना है, और बहुत सारे मैं खाली कारियोस भी ले जा रहा हूँ, सो ये वहाँ पर काम आ जाएगा। और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मेरे पास बेड्स हैं, प्लेटिपस के पास होगा या फिर बेड 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 प्लेटिपस बेड। सो प्लेटिपस के पास भी तो एक बेड बना ही लेते हैं, भरोसा नहीं है केव्स का। और जहाँ तक बात है उनके हेल्थ का, तो मुझे लगता है देखना दिक्कत हो रहा है, क्योंकि स्पाइनो बायोनिक्स इन लोगों का डैमेज ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, क्या कहीं और ड्रॉप गिर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले ड्रॉप से शुरुआत करते हैं, पहले ड्रॉप ले लेता हूँ उसके बाद ही कहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ पे एक ऑलरेडी आर्टिफैक्ट मुझे मिल सकता है। सो देखना पड़ेगा। लेवल 300 स्पाइनो, मींस व्हाट टोटली मैक्स है। मैं एक्चुअली एक चीज करूंगा, मैं सोच रहा हूँ मैं उस स्पाइनो को ट्रैप करके जाना चाहता हूँ, आ रहा है उसको उसी की जगह पे फेंक दो। और इसका नॉक पे बहुत ज्यादा हो रहा है, बट दिक्कत ये कि ये अपने पास वालों को नॉक पे निकल सकता है, क्योंकि ये खुद आगे चले जाता है इसको नॉक पे चले जाता है। सो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसको, तो इसको ऑब्वियसली मैं ये पे चला जा सकता हूँ। मेरा प्लेटिपस का बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, क्योंकि उसका 350 के अराउंड उसका 75। सो कुछ भी हो मैं इसको यहीं पे छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो मैं लेवल 300 को तो छूने वाला नहीं, बट मैं अभी टेम भी नहीं करना चाहता। ये पिछले का जो मोटिव था, एक मिनट मुझे वहाँ पर कुछ दिखा, सो ये ऑयल वैन है। मैं इसलिए इतना शौक हुआ क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे सब एक ऑयल वैन मिला था, जिसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं गूगल में सर्च कर रहा था, तो मैं ये ऑयल वैन के ऊपर ये ऑयल पम्प लगाया,
और ये फ्रीली मुझे कॉइल्स दिए जा रहे हैं, तो मैं वही नोटिस किया कि वो भी एक ऑयल मैन है। सो इस एपिसोड के बाद मैं वहाँ पे एक और ऑयल पंप लगाने जा रहा हूँ, ऑब्वियसली फ्री का अगर ऑयल मिल रहा है तो क्यों तो इतना मेहनत कर रहे। तो हम फाइनली आ गए वापस से केव में, और ये रहा हमारा केव, और इस केव में हम लोग वापस जा रहे हैं मेन चीज़ तो हमेशा भूल ही जाता हूँ। तो इसके पास इसको फेंक देते हैं, इसको फेंक देते हैं और इसको रख लेते हैं, और ट्रांसफर। सो अपने स्पाइनों को निकालते हैं। ओ, क्या लग रहा है स्पाइन? ओके सो अब बारी आई एक्सप्लोर करने की, अब निकलते हैं। तो स्पाइनो के कुछ लेवल अप से 20,000 ऑलरेडी हेल्थ, जो कि वो अभी तक हेल्थ पर आया भी नहीं। सो ये थोड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। 990 ऑलरेडी अगर है तो मैं डैमेज में जाना चाहूँगा। क्या स्टेमिना का मुझे ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन का मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। डैमेज जाना चाहता हूँ, अराउंड 1000 के आसपास डैमेज ले जाऊंगा, उसके बाद लेंगे। सो मे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा गामा बढ़ाने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि केव थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो रहा है। अब मेरे पास स्पाइनो है तो मुझे उतना टेंशन नहीं है, ये क्या बोलते वो पर। सो रेवेजर्स स्पाइनोस पे एग्रो नहीं है, चार पैक में जमा रहा हूँ, दो पैक तो और ज़्यादा डैमेज, ओ प्लीज डैमेज। बट हमारे पास हमारा स्पाइनो जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है, सो इसको वापस ले जाते हैं। तो जब तक ग्लिट डैमेज होता रहेगा तब तक ये स्लो रहेगा। ये एक्चुअली रोल रेट्स हैं जिनके बारे में मैं पिछली बार तक कुछ नहीं जानता था, बट मैंने इनके बारे में सब कुछ पता किया। तो ये एक्चुअली नॉन एग्रो डाइनो है, इनको टेम करने के लिए हनी का ज़रूरत होता है। जैसे ही वो लोग अपने गड्ढे में घुसेंगे होल करके, उसी समय हमें हनी थ्रो करना है उनके ऊपर, तो वो लोग हनी लेके टेम होने के प्रोसेस में होते हैं। तो वो पासिव टेम है, हम लोग एलिमेंट बना सकते हैं, बट एलिमेंट के लिए बहुत कुछ ज़रूरत है। लाइक यहाँ पे ऑलरेडी पावर है, ग्रीन जेम, रेड जेम, ब्लू जेम, कंसील्ड गैस बॉल के बारे में मुझे पता नहीं है। ब्लू जेम और ग्रीन जेम के बारे में मुझे एक्चुअली आइडिया है, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे जब मैं डिक किया था तो मुझे बहुत कुछ मिल गया था, बट ये चार्ज बैटरी क्या है ये आइडिया नहीं है, और एलिमेंट ओवर क्या है वो आइडिया नहीं है, तो उनके बारे में मैं पता करूँगा। और जहाँ तक बात है ये कुछ उनके बारे में, मैं बताता हूँ कि वो मुझे कहाँ से मिले थे। सो ये जैसे कि ये बड़े बड़े पेड़ है, ये वाले ये आसपास कोई है नहीं। सो अगर मैं इनको तोड़ता हूँ, नहीं तोड़ते नहीं है, इनको अगर मैं पिक करता हूँ, शायद ये भी नहीं, हाँ नहीं नहीं ये तो क्रिस्टल्स हो रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ थे जो मुझे लाइक क्या बोलते हैं एलिमेंट शार्ड्स ना, क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, वो मुझे दे दिया करते थे। तो 8000 पे हेल्थ गिरा दी उन वजह से ज़्यादा ही एग्रेसिव। तो मुझे चेक करना है कि मुझे किधर जाना है, इधर या उधर, इधर या उधर। ये तो थोड़ा सा ओ और वो मुझे कोई दिख रहा है, मेगालोसोरस, वो भी अपेरेंट वर्जन का कार्नोटोम, और कोई है। सो दो डायनोस मुझे दिख चुके हैं, बात ये नहीं। मैं एक्चुअली सोच रहा कि जब रेवेजर्स मेरे पे अटैक ही नहीं कर रहे हैं तो मुझे रेवेजर्स को ध्यान देना नहीं चाहिए, और मुझे उन लोग को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डंग बीटल,
मुझे फाइनली डंग बीटल्स मिल गए। सो इनके लिए मुझे एक मिनट पहले मैं अपना फूड कंप्लीट कर चुका हूँ और इनके लिए लास्ट स्लॉट में ये डाल के, कितने लेवल का है वो मैटर नहीं करता है, 300 लेवल, ये तो ऑलरेडी मैक्स लेवल मिल चुका है, तो इतना क्या सोचना। मैं टेमिंग प्रोसेस आई थिंक शुरू कर, ये मुझे पहले पेगो को हटाना है, ये बहुत इरिटेटिंग है। वो ऑलरेडी हो जाएगा 15%, अगर एक में दे रहा है तो 7 टाइम अराउंड लग ही जाएगा, 7-10 ज़्यादा, बट मुझे ये भी नहीं पता है कि अगली बार वो कब खाएगा। अगर 300 लेवल है तो वो बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम दूसरा डंग बीटल ढूंढ सकते हैं। क्या यहाँ पे और भी डंग बीटल्स हैं? हाँ, वहाँ पे दो दो डंग बीटल्स हैं, जितने ज़्यादा मिल जाए उतना फायदा है। वैसे भी डंग बीटल्स का बहुत ज़्यादा जरूरत है अभी तो। मुझे और एक मिनट, वैसे इसका पास ही है। ये लो लेवल है, तो मुझे लग रहा है ये जल्दी हो जाएगा। एक्चुअली ये अगर हाई लेवल, तो यहाँ पे और भी कोई है। ये शायद ये कुछ अलग टाइप है, नहीं ये अभी भी वही दे रहे हैं, बट एक्चुअली मुझे शार्ट्स टाइप के कुछ मुझे यहाँ से मिले थे। अब ये था या क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था दिखने में। हाँ ये शायद हो सकता है, कंडेंस्ड गैस, कंडेंस्ड गैस। क्या है ये? पहले वो बहुत ज़्यादा हैवी है ये, तो ये ऑलरेडी 10 खा चुका है। किधर गया स्पाइनो? मैं अभी तो नहीं, अभी सिर्फ 10 ही ले जाना चाहता हूँ। मैं आराम से बाद में आके चेक करूँगा कि वो ये तो 73 ऑलरेडी पहुँच चुका है, तो बस एक और खाएगा तो ये एक बार में हो जाएगा। अगर मे बी लाइक ऐसा सिचुएशन आता है जब मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो कम से कम मैं एक लेके डंग बीटल भाग सकता हूँ यहाँ से। ये तो इसका तो आ ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ये लोग टाइम लेने वाले हैं। मैं जानता भी नहीं हूँ कि केव में आसपास और क्या क्या खतरा है। ये एक्चुअली कंडेंस्ड गैस क्या है? हाईली कंसेंट्रेटेड एंड हार्डन गैस डिपॉजिट, दिस कुड बी रिफाइंड पैक इनटू इट्स गैसोलीन फॉर्म। ये मैं पहले भी ले जा चुका हूँ, बट उस समय क्या हुआ था कि मुझे लगता था कि ये नॉर्मल गैस है, तो मैं इतना ध्यान दिया नहीं, मुझे क्या पता था कि ये पूरा ही गैस से अलग है। अब अगर मुझे पता चल रहा है अंदर क्या है, कुछ भी नहीं, कि मे बी कुछ सीक्रेट है, अब मुझे पता चल रहा है कि वो उसके बहुत सारे अलग फॉर्म भी है, कुछ हो सकता है, तो मैं उनके बारे में पहले पता करूँगा, उसी के बाद कुछ करना चाहूँगा। लेवल 300 बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि इस एपिसोड में एक्सप्लोर करके निकल जाते हैं, मैं इन लोगों को टेम कर लूँगा फिर उसी के बाद। ओ और मेरा फाइनली पहला डंक बीटल आ गया। इसको पहले लोएस्ट करते हैं और इसका बिहेवियर पासिव करते हैं। अब इसको लेके जाएंगे, अब ज्यादा देर यहाँ पर रुकना सही नहीं है। वो ऑलरेडी टेम भी हो गया, मगर इसका अभी तक सेकेंड वाला फेज शुरू भी नहीं है, तो हाई लेवल होने का कहीं ना कहीं फायदा भी है, बट पासिव टेम्स के साथ हाई लेवल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो लोग का सेकेंड जो फूड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा लेट आता है, और जिसकी वजह से टेमिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लाइक कैसे बोलूँ, डायरेक्ट पर टेमिंग ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, पासिव वाला बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। जैसे यहाँ पे ये 15.7 पे आ तो गया है, बट ये और हंग्री होगा नहीं, इसका सेकेंड बार आते आते
बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। मैं अगर इस एरिया को छोड़ के जाऊंगा और अचानक से ये हंग्री हो जाएगा तो इसका टाइमिंग गिरते भी जाएगा इफेक्टिवनेस, और धीरे धीरे ये जितना लाइक 15.7 ऑलरेडी हो चुका है वो भी गिरता जाएगा। तो दोनों साइड से लॉस है, पासिव के साथ बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है, और ये ऑलरेडी केव के अंदर है तो पहले से डेंजर चारों ओर भरा हुआ है। बट कुछ भी है, उसका कलर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। सोच रहा बस एक बार और इसको फीड करके आगे निकल जाऊंगा, केव को थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा चेक करने के लिए। तब तक एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने स्पाइनों को फोर्स फीड कर सकता हूँ। फोर्स फीड अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। फोर्स फीड एक्चुअली आपके डाइनो को हेल्प करता है हेल्थ रिगेन करने, उतना ज़्यादा नहीं करता है। एक मीट शायद रॉ मीट अराउंड 10 के आसपास ही करता है, बट काफ़ी है। अगर लार्ज स्केल में आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। आपके पास अगर टाइम है और एरिया अगर क्लियर है, सेफ है, तो आप आराम से उसको फोर्स फीड कर ही सकते हैं। तो इन सब की ज़रूरत उसके में रख सकता हूँ अभी। देखते हैं क्या ये अवेलेबल है सेकंड फीड के लिए, क्या मेरे पास और मीट है। नहीं, तो इसको मैं टेस्टिंग करूँगा, बहुत कुछ पहले पता करूँगा क्या है वो। उसके बाद 15.7 ऑलरेडी है और वो भूखा भी नहीं है, कहीं उसके चक्कर में मैं गलती से स्पॉइल मीट ना खा लूँ। ऑलरेडी 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, मगर डंग बीटल को अभी 20 सेकेंड बाद नहीं लगाया। एक मोमेंट के लिए तो बहुत खुश हो गया था कि हाँ लेवल 3 का डंग बीटल है, मीन्स बहुत ज़्यादा फास्ट निकला। उसका स्टोरेज कैपेसिटी पहले से उतना ज़्यादा अच्छा होगा कि वो मुझे और उतना बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, बट ये है बारियोनिक्स डंग बीटल। इसका स्टोरेज 5.4 है ना सर, सो काफ़ी कम है, बट लाइक शुरुआत के लिए सही है। थ्रो टू डिप्लॉय कैप्चर कीजिए। अब अगर मेरे पास डंग बीटल्स आ गए हैं तो सोच रहा हूँ कि ओ सेकंड बार हो गया 31.4, सो मैं निकलता हूँ। और शायद वहाँ पर नहीं थे डंग, हाँ नहीं। तो इस बार निकल रेवेजर से, रेवेजर से नहीं जाता, बट मुझे मीट भी चाहिए। ये कुछ करने से पहले ही मर जाए। ओ बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये स्पाइनो, तो क्या यहाँ पे डंग बीटल के चांसेस है? ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट इतने भी अच्छे नहीं कि मैं इनको छोड़ दूँ। तो मुझे केयरफुली देखना पड़ेगा आसपास कि क्या और डंग बीटल्स अवेलेबल है। तो आगे रेवेजर्स का पूरा हुआ, ये मैं पिछली बार भी देखा था और मैं जान नहीं पाया था कि ये एक्चुअली फेक है। बहुत कूल लग रहा देखने। ओ कार्किनोस किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया? मैंने एक क्रैब देखा वहां पे। सच में इल्यूजन था या सच में एक क्रैब देखा? मैंने कुछ गलती कर दी। ओके ओके, सो एक्चुअली मैं उस, हाँ वो रहा वो रहा वो रहा। सो मैं क्रैब को देख के इसलिए खुश हुआ, 50 लेवल क्रैब है और फीमेल क्रैब है। सो मैं क्रैब को लेके इसलिए इतना ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि मैं ये क्रैब को सिर्फ और सिर्फ आज तक यूट्यूब वीडियोस में ही देखा हूँ। मैं कितने वीडियोस में मैं देखा हूँ कि वो कितना यूज़फुल क्रिएचर है और ऑलराउंडिंग क्रिएचर है। मैं जानता नहीं हूँ कि मीन्स उसके लिए, मैं जितना जानता हूँ कि उसको टेम करने के लिए बहुत ज़्यादा
हाई, क्या बोलते हैं बोल्डर्स, और क्या बोलते हैं वो कैनन बोल्डर्स, क्या है बोल्डर्स, बोल्डर्स नहीं कैनन, हाँ कैनन या फिर हेवी वेपन ऑफ वॉर, कैनन कैनन बोल्स। हम मे बी लाइक ये जो जो बड़े बड़े वेपन से उन लोग से सिर्फ हेडशॉट ही मार के मैं उनको टॉर्पर दे सकता हूँ, और उनको तभी जाके मैं मार सकता हूँ, मीन्स नॉकआउट कर सकता हूँ, उसी के बाद में उसको उसी के बाद में उसको टेम कर सकता हूँ। मैं बस 1 मिनट पहले डम बिडल को एक बार और खिला कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ, तो तभी उनको टेम कर सकते हैं। मैं एक्चुअली वीडियोस देखा हूँ बट मैं कभी फेस नहीं किया था, तो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ मैं कभी देखने को मुझे मिलेगा। अब मुझे कार्किनोस अगर यहाँ पे दिख गया तो लेवल 50 का तो वैसे टेम करके कोई फायदा नहीं है, मैं ट्राई करूँगा इस कार्किनोस को मारने का। तो अभी ये जल्दी जल्दी हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा इस कार्किनोस को पूरा मार देने का, और उसके बाद मैं वापस से आऊँ ताकि एक नया कार्किनोस स्पॉन हो सके। अगर वो उस जगह पे है तो मेरे पूरा चांसेस है कि वो कार्किनोस बार बार आए वहाँ पे। ओ ये क्या अब जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब मुझे बस पहले के लिए वेट करना था। तो ये कितने कितने देर पे अब हो रहा है, बस आस पास कोई ये ना निकले। ओ 47, साइनहॉर्न, वाकुले 47, और ओ सो अब 15 15 सेकंड में ये हो जा रहा है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना टाइम, ओ लास्ट है मेरा। सो फाइनली मेरा 15 सेकंड में एक मेरा मैक्स लेवल का डंग बिडल मेरा होने वाला है, वो भी एपेरेंट वेरिएंट का, और ये कलर बहुत ही ज़्यादा गजब हुआ है। सो फाइनली 448 लेवल का, एक मेरे पास फुली मैक्स लेवल का एक डंग बिडल आ ही गया आखिरकार। तो ये है मेरा डंग बिडल, और तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि कैसे मैं बोलूं, अब मेरे पास ऑप्शन है इसको आराम से